कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 के बचे पेपर की परीक्षा आगे लेने की जानकारी विद्यापीठ के कुलगुरु ने विद्यार्थियों के लिए एक अधिसूचना जाहिर की है, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक परीक्षा को लेकर नया आदेश नहीं मिलता तब तक परीक्षा नहीं होगी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 को लेकर सभी क्षेत्र के लोग और विद्यार्थी काफी असमंजस स्थिति में है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी नागपुर विद्यापीठ की ओर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 के बाकी बचे हुए पेपर की परीक्षा 28 फरवरी 2021 तथा 26 फरवरी 2021 इस दरमियान होने वाली थी, लेकिन कोरोना का बढ़ता संक्रमण देखते हुए होने वाली परीक्षा की तारीख अगला आदेश जब तक नहीं आता तब तक परीक्षा रद्द की जाने की जानकारी राष्ट्र संत तुकड़ोजी विद्यापीठ द्वारा विद्यार्थियों को जानकारी मिली। इसके लिए एक अधिसूचना का पत्र विद्यापीठ के कुलगुरु इनके आदेश से निकाला गया है। इस बारे में परीक्षा व मूल्यमापन मंडल के संचालक बोतल एनो ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। से फोन आया, मुझे भी नहीं मालूम था, पर कमिश्नर ऑफिस से फोन आया कि लॉकडाउन का सर्कुलर घोषित किया गया, आप ये एग्जाम कैंसिल कर दीजिए। हमने फिर भी कोशिश की कि कम से कम आए हुए विद्यार्थियों की एग्जाम ले लिया जाए। उसके लिए हमने यंत्रणा भी लगाई, कुछ हमारी गाड़ियाँ भी अरेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दीक्षा भूमि में जो अंबेडकर कॉलेज है वो सील हो चुका था, वहाँ भी एक सेंटर था, तो वो विद्यार्थियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऐसा हमारे सामने प्रस्ताव रखा था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर ने, तो हमने उसकी व्यवस्था भी करने के लिए बोल दिया, ठीक है शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम आज हो जाएगी। फिर से कमिश्नर ऑफिस से ये फ़ोन आया कि नहीं, आप एग्ज़ाम मत लो, रीशेड्यूल करो, क्योंकि ये इसके ऊपर एक्शन हो सकती है। तो हमने उनके कहने को रिस्पेक्ट दिया और तुरंत हमने बोल दिया कि मैं अभी एग्जामिनेशन कंटिन्यू मत करो, हम रीशेड्यूल करेंगे। उसी कारण हुआ, अदरवाइज जानबूझ के किसी को रोकने की ये थी नहीं, स्टूडेंट के लिए बनाया गया था। कोरोना के संक्रमण ने सभी को प्रभावित किया है, इसमें विद्यार्थी भी अछूते नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।